नमस्कार, जस्टिन लैब में स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल। देश के बहुत सारे लोगों का पैसा यस बैंक में फंस चुका है। सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए अपनी कवायद भी तेज कर दी है, लेकिन बैंक में पैसा फंसता कब है, बैंक में पैसा डूबता कब है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो कि हम आपको बताएंगे कि किस वजह से यस बैंक में लोगों का पैसा फंसा है। बैंक का घाटे में जाने का सबसे बड़ा कारण तब होता है जब बैंक अपने वित्तीय हालात संभालने में सफल नहीं हो पाता। ऐसा ही तब हुआ जब पिछले कई साल में यस बैंक अपने हालात नहीं सुधार पा रही थी, वित्तीय सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, बैंक लोन से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से इसकी रेटिंग खराब हुई, जिसके बाद बैंक को काफ़ी ज़्यादा घाटा झेलना पड़ा। दूसरा कारण है कि यस बैंक ने रिजर्व बैंक को धोखे में रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि वह लगातार बैंक प्रबंधक के संपर्क में है ताकि उसकी नकदी की हालात को मजबूत किया जा सके, लेकिन यस बैंक के प्रबंधन ने रिजर्व बैंक को बताया था कि वह कई निवेशकों से बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन सच तो ये है कि उनके पास निवेशकों से निवेश के लिए कोई भी ठोस प्रस्ताव ही नहीं था। इस साल फरवरी में स्टॉक एक्सचेंजों को बैंकों ने बताया था कि वे पूंजी के लिए कई प्राइवेट फर्मों से बात कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के अनुसार इन निवेशकों ने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो पता चला कि कोई पूंजी नहीं दी गई है। इससे साफ है कि निवेशक वास्तव में बैंक में पूंजी लगाने को गंभीर नहीं थे। किसी नए निवेशक को ज़्यादा हिस्सेदारी देने के लिए बैंक को रिजर्व बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है। रिजर्व बैंक की तरफ से सुधार योजना के तहत यस बैंक को मौका दिया गया था, क्योंकि रिजर्व बैंक के अनुसार बाजार आधारित सुधार योजना बेहतर रहती है। रिजर्व बैंक ने ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन यस बैंक सुधार की योजना में अपने आप को कारगर रूप से साबित नहीं कर पाया। यस बैंक पर संकट की वजह ये भी है कि बैंक से लगातार नकदी बाहर आती जा रही थी। इसका मतलब ये है कि ग्राहक बैंक से पैसा निकालते जा रहे थे और जमा पैसा कम हो रहा था। किसी भी बैंक के लिए बैंकों में पैसा जमा होना सबसे ज़रूरी होता है। सितंबर 2019 तक बैंक के पास मात्र 2,09,000 करोड़ रुपये था। बैंक में गवर्नेंस के कई गंभीर मसले सामने आए, इसकी वजह से बैंक लगातार पिछड़ रहा था। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2018 से 2019 में बैंक ने करीब 3,277 करोड़ रुपए के एनपीए को छिपा लिया था, यानी इसे बही खाते में नहीं दिखाया गया। लगातार बैंक पर संकट की खबरों से लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार हम अपना पैसा कहाँ जमा करें और किस बैंक में जमा करें। लोग सोचते हैं कि आखिरकार हमारा पैसा किस बैंक में सेफ रहेगा। खैर, सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। आखिरकार लोगों को इस चिंतन से दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में जब लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहेगा।